Hello everyone, welcome to others classes, and today we are going to discuss NCERT English book class 9 chapter 3 the little girl. We are going to discuss all question answer, so look carefully. As we know that it is your chapter 3 the little girl, you can see very well your story. Look at this picture. Whenever she goes to her father and mother room, she always sees that her father is stretched out on the sofa and snoring, and her mother is always reading the newspaper. So that time she is feeling very alone. Now you can see your picture. We have already discussed your chapter. Now today I'm going to discuss your all question answer. So you can see here very well. Given below are some emotions that Kezia felt. Match the emotions in column A with the item in column B. Okay. So you have to match the column. Now fear or terror. Fear or terror, ये emotions है किसका, कैसिया का. तो आपको column B से find out करना है कि कौन कौन सा इसके साथ match करेगा. So fear कब होता है उसे, जब father आते हैं, when father comes, पहला. फिर कब होता है fear, डरती कब है वो, जब उनको father से बात करना होता है. It means 3 और 4. नेक्स्ट वन और पढ़ेंगे, और कौन कौन सा में उनको फील होता है. देन गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, जब वो अकेले बेड पे जाती है घर में तब. ठीक है. नेक्स्ट एंड दी फादर कंफर्ट हर, नो. एंड दी सेवेंथ, फादर स्ट्रेच आउट ऑन दी सोफा एंड स्नोरिंग. तो ये 5 हैं, 3, 4, 5 और 7. ये 5 किसके साथ मैच करेंगे, तो ये 5ों करेंगे 1 के साथ, फियर और टेरर के साथ. अच्छा, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ये किसके साथ मैच करेगा. फादर कम्स इन टू हर रूम टू गिव अ किस, हाँ, जब पापा आते हैं और उनको एक किश करते हैं फोरहेड पे, तब. इट मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, आपका इसका ये 1 हो जाएगा. नाउ द थर्ड वन, अ फनी फीलिंग परहैप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो फनी फीलिंग के साथ क्या हो जाएगा, जब फादर उनके साथ कम्फर्ट फील करते हैं. इट मीन्स कि 6 का, 3 का हो जाएगा 6, 3 का 6 के साथ मैच करेगा. ठीक है. यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, 2, 2, 3 और 5 और 7, ये सब A के साथ हैं. ठीक है. B के साथ क्या है, तो B के साथ 1 नंबर है, और 3 के साथ क्या है, तो ये 6 नंबर है. आई होप कि क्लियर हो गया है. ठीक. फियर और टेरर के साथ 4 बनेंगे, 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5 और 7 बनेंगे. ओके. ठीक. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर इन 1 or 2 सेंटेंसेस. सो हियर इज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर. केजिया अपने फादर से क्यों डर जाती है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर. तो अपने फादर से क्यों डर जाती है वो, बिकॉज केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. ठीक है. सो नाउ कम टू द आंसर. योर आंसर विल बी, Kezia was afraid to her father because he was very strict, who always used to give command to everybody else in the house. Okay. He never played with her. He had big hands and heavy face, especially his mouth. When he yawned, were big, and she was especially terrified with the manner in which he looked at her over his spectacles. तो जब अपने चश्मे के भीतर से वो कैसे होते हैं,
जब वो देखते हैं अपने चश्मे के भीतर से, जब वो देखते हैं बहुत ही टेरिफाइड फील होता है कैजिया को। वो दूसरे फादर की तरह उनके साथ खेलते नहीं हैं, उनके हाथ बिग हैं, उनका फेस बिग है, माउथ बिग है। ये सब कुछ कुछ वजह हैं, बच्चे को प्यार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से सी इज फीलिंग टेरिफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली। केजिया के फैमिली में कितने पीपल हैं? ओके, सो योर आंसर इज केजिया'स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर एंड हरसेल्फ। इट मीन्स कि 4 पर्सन है उनकी फैमिली में, उनकी दादी माँ है, मम्मी पापा और वो खुद हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट वाज केजिया'स फादर्स रूटीन। केजिया के फादर का क्या रूटीन था? फर्स्ट वन इज बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, उनके ऑफिस जाने से पहले, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद क्या था? तो जाने से पहले उनका क्या काम था? बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया'स फादर यूजुअली वेंट टू हर रूम और गिव अ कैजुअल किस। तो जाने से पहले केजिया को किस देते थे एंड आने के बाद क्या करते थे? तो आफ्टर कमिंग बैक हिज ऑफिस ही ऑर्डर्ड फॉर टी और ब्रॉट इन टू द ड्राइंग रूम। ही ऑल्सो आस्क हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़ पेपर एंड हिज स्लीपर्स एंड ऑल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, संडे को क्या करते थे? तो ऑन संडे केजिया'स फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफे पे एकदम फैल करके सो जाते थे। सो नाउ योर आंसर इज बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया'स फादर यूजुअली वेंट टू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस, जाते थे और उनको एक किस करते थे। दूसरा सवाल है कि आने के बाद क्या करते थे वो? देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही ऑर्डर टू टी टू ब्रॉट इन टू द ड्राॅइंग रूम एंड ही ऑल्सो आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम द न्यूज़ पेपर एंड हिज स्लीपर्स एंड केजिया'स टू पुल ऑफ हिज बूट्स, और केजिया को अपने बूट्स भी रखने के लिए देते थे। ठीक है, नाउ को क्या करते थे उनके फादर ऑन संडे? तो संडे को उनके फादर ऑन संडे केजिया फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा एंड ही वुड कवर हिज फेस विथ हिज हैंडकरचीफ। तो सोफा पर वो पसर कर सो जाते थे और अपना चेहरा वो रुमाल से ढक लेते थे एंड पुट हिज फीट ऑन वन ऑफ द कुशन एंड स्लीप साउंडली, और गराठे लेते थे अपने पैर, कुशन के ऊपर अपना पैर भी रख लेते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज इन व्हाट वेज डिड केजिया'स ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। तो उनकी दादी माँ उनको कैसे इनकरेज करती थी कि अपने पिताजी को समझो, डरो मत उनसे, आफ्टर ऑल ही इज़ योर फादर। उनकी दादी माँ उनको हमेशा अच्छा सिखाती थी। नाउ योर आंसर विल बी केजिया'स ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर ओके बेटर बाय सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम, कि उनको भेजती थी कि जाओ अपने पापा के साथ फैमिलियर बनो ड्राइंग रूम में। उनकी दादी माँ उनको भेजा करती थी एंड टॉक टू हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बातचीत करो ऑन संडे, कम से कम संडे को तो तुम करो। एंड सी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कुशन आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे, और बोलती है कि तुम अपने पापा के लिए अच्छा सा एक येलो कलर का कुशन बनाओ सिल्क का, और अपने पापा के बर्थडे पे उनको गिफ्ट भी करो। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स ईच। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करिए क्लास में टीचर के साथ और उस पर एक पैराग्राफ राइटिंग करिए। तो आपका क्वेश्चन है कि केजिया एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लेसिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड शी हैपन। तो केजिया के जो एफर्ट थे है ना, तो उसका क्या रिजल्ट हुआ है और क्या हुआ फिर? नाउ योर आंसर इज
Kasia's efforts to please her father resulted in displeasing him. On every Sunday, her grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother, but her presence always irritated the father. लेकिन उसकी मौजूदगी पापा को इरिटेट करती थी. ही यूज टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल, और वो उसको क्या बोलते थे, लिटिल ब्राउन आउल बोलते थे. नाउ वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वुड बी नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड दैट शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर ब्यूटिफुल गिफ्ट, कि अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, बढ़िया सा कुशन बनाकर गिफ्ट करो. नाउ आफ्टर स्टिचिंग थ्री साइड्स ऑफ द कुशन विथ डबल कॉटन विथ ग्रेट केयर एंड एफर्ट, जब कुशन तीनों तरफ से सिल जाता है बहुत ज़्यादा मेहनत और केयर के साथ, किजिया वॉज स्टक एज टू वॉट टू फील द कुशन विथ. अब उसको कुशन में फील करने के लिए कुछ चाहिए, होता है ना कॉटन वगैरह चाहिए. सिंस हर ग्रैंड मदर वॉज बिजी इन द गार्डन एंड सी सर्च हर मदर्स बेडरूम फॉर स्कार्फ, दादी माँ गार्डन में बिजी थी तो वो खुद ही से कुछ कुछ ढूंढने लगी मम्मी का स्कार्फ वगैरह. फाइनली सी डिस्कवर शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल एंड सी गैदर्ड दिस स्टोर देम एंड फिल्ड द कुशन विथ द टॉर्न पीसेस. फाइनली जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो एक सिली सा मिस्टेक कर बैठती है वो, और क्या करती है, पापा के टेबल पे जितने पेपर्स रखे हुए होते हैं सबको टोर करती है, फाड़ती है और छोटा छोटा पीस में उसको फाड़ करके फिर सारे कुशन में डाल के उसको सिल देती है. ठीक है, तो ये पैराग्राफ था. उसके बाद क्या होता है जरा आगे समझिए. अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट टू वेन बट also had an unanticipated consequence. इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है. ये सारे पापा के सारे काम के पेपर फाड़ डाले हैं. This was because of the sheets she had tore. जो पेपर उसने फाड़े थे were her father's speech for the port authority. उनके फादर का एक स्पीच था जो उन्होंने रेडी करके रखा था, जिनको डिलीवर कहाँ करना था, पोर्ट अथॉरिटी में. सो हर फादर escorted हर टू टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको तुम क्यों छूती है. एंड पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पाम विद अ रूलर, और रूलर लेकर के स्केल वगैरह लेकर के उसके पाम पे हथेली पे हिट करता है, मारता है. नाउ अनदर क्वेश्चन इज कैजिया डिसाइड्स दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स. सो व्हाट काइंड ऑफ फादर्स वॉज मिस्टर मैकडोनाल्ड एंड हाउ वॉज द डिफरेंट फ्रॉम कैजियाज फादर. वो सोचती है कि देखो भाई दुनिया में ना डिफरेंट डिफरेंट के फादर हैं. मैकडोनाल्ड अंकल को देखो, अपने तीन चार बच्चों के साथ कितना खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं. मेरे पापा इससे कितने अलग हैं, है ना. तो मेरे पापा इनसे डिफरेंस है कैसे है, वो देख रही है. नाउ योर आंसर इज कैजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मिस्टर मैकडोनाल्ड. कैजिया अपने फादर का मिस्टर डोनाल्ड के साथ मैकडोनाल्ड के साथ कंपेयर कर रही है. हर नेक्स्ट डोर नेबर, जो कि उसका पड़ोसी था, ही वॉज अ लविंग जेंटलमैन एंड फॉर गिविंग फादर, है ना, जो अच्छा है, जेंटलमैन पापा है, अपने बच्चों की गलती भूल जाते हैं. ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रेन इन अ फ्रेंडली मैनर, बच्चों के साथ दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं. नाउ ही वॉज जस्ट अपोजिट टू द कैजियाज फादर. वो कहती है कि एकदम मेरे पिता के जस्ट उल्टा है. अनलाइक कैसियाज फादर ही नेवर पनिश्ड हिम चिल्ड्रन, कि मेरे पापा की तरह अपने बच्चों को वो पनिश नहीं करते हैं. ही प्लेड विद दैम, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. एंड वेन एवर ही वॉज फ्री कैसियाज फादर वॉज वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, कि जब मेरे पापा फ्री होते हैं तो कैसे एकदम हार्श होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं. नाउ दी अनदर क्वेश्चन थर्ड, हाउ डज कैसिया बिगिन टू हर begin to see her father as a human being who needs her sympathy. How does Kasia begin to see? किस तरह से अब केसिया जो है अपने पापा के ह्यूमन बींग को, उसकी सिंपैथी को, who needs her sympathy, कि उनको लगता है कि मेरे पापा को भी मेरी सिंपैथी की नीड है. ठीक है, इसका आंसर क्या है, कैसे है. With her mother and grandmother at the hospital, कि जब
मेरी मम्मी के साथ मेरी दादी हॉस्पिटल में थी। केजिया इज लेफ्ट एट होम इन द केयर ऑफ एलिस, एलिस द कुक, उसकी कुक है एलिस, उसके साथ वो घर पे रुक गई, बच्ची थी छोटी। एट नाइट आफ्टर सी इज पुट टू बेड बाई द कुक शी हैज अ नाइट मेयर, जब वो उस कुक के साथ सोई थी तो एलिस के साथ, तो उसको एक नाइट मेयर बुरा सपना आया। एंड सी कॉल्स हर फादर, अपने पापा को बुलाने लगी, बट टू हर सरप्राइज सी फाइंड्स हर फादर स्टैंडिंग नियर हर बेड, लेकिन वो चौंक गई देख करके कि उनके पापा एकदम उसके बेड के पास ही खड़े। ही टेक्स हर इन हिज आर्म्स एंड मेक्स हर स्लीप नेक्स्ट टू हिम, और उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने साथ ले आए। एंड हाफ स्लीप सी क्रीप्स क्लोज टू हिम, और क्या होता है कि आधी सोई है और अपने पापा के और करीब वो हो रही है, इट मीन्स उसको डर लग रहा है ना, तो वो चिपक रही है। स्नगल्स हर हेड अंडर हिज आर्म्स एंड होल्ड्स टाइटली टू हिज शर्ट, अपने पापा के शर्ट को कस के होल्ड कर ली है। एंड हर फादर आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग फॉर वार्म, उनके पापा क्या कहते हैं कि मेरे पैरों पर अपना पैर रगड़ो, गर्मी फील होगी, बच्ची है वो ठंड लगती है। हर फादर गोज ऑफ टू स्लीप बिफोर हर एंड दिस मेक हर अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड दिस लीव्स हिम टू टू टायर्ड टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड। एंड सी एक्सप्रेसेस हर ऑल्टर्ड फीलिंग टू हर फादर बाई टेलिंग हिम दैट ही इज़ अ बिग हार्ट, कि मेरे पापा के पास बड़ा दिल है, लेकिन क्या है कि काम के प्रेशर की वजह से वो थक जाते हैं और इसीलिए वो ऑल्टर बिहेव करते हैं। ओके नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लूज आर गिवन इन ब्रैकेट्स, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और आपको फील करना है, ठीक है। सो नाउ योर आंसर विल बी, सी वॉज थ्रिल्ड बाई द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, यहाँ आप देख सकते हो कि आपको फिलअप करना है। सी वॉज क्या भरेंगे, वेरी प्लीज्ड की जगह पे थ्रिल्ड बाई द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग। नाउ आई वॉज टू बी इन्वाइटेड, यू कैन सी हेयर I was delighted to be invited to the party, and the third one she was overjoyed at the birth of her granddaughter, and the fourth one the coach was pleased with his performance, and the fifth one she was very happy with her result. Now study the use of hard. Use the words big in the following sentence. So, first one has been done for you, that following sentence. Out of the meaning of big in the following sentence. You are a big girl now, older. Achha. जैसे कि अब कहा जा रहा है कि you are a big girl now. तो अब उसको उसके लिए क्या डालेंगे? Older. Similarly. Today, you are going to take the biggest decision of your career. ठीक है, क्या बोल रहा है कि आज अपने करियर के लिए कोई बढ़िया बड़ा डिसीजन लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, है ना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोलेंगे? मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थर्ड वन है देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, उसका प्रोजेक्ट कैसा है, आइडिया से भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई? आइडियाज पॉपुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉपुलर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री, है ना, क्रिकेट इज अ बिग गेम, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रेट, इसके लिए क्या हो जाएगा? ग्रेट। उसके बाद है नेक्स्ट वन है आई एम बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, कि मैं लता मंगेशकर का क्या हूँ?
बहुत बड़ा फैन हूँ। देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग, प्रोजेक्ट कैसा है, आइडिया से भरा हुआ है ना, तो इनोवेटिव होगा, सॉरी इनोवेटिव होगा। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, इनोवेटिव, ठीक है, आइडिया से भरा हुआ है तो न्यू थिंग है। नाउ थर्ड नंबर का इनोवेटिव, इनोवेशन, इनोवेशन, और हो जाएगा फोर्थ का क्रिकेट इज बिग गेम इन आर कंट्री, तो ये हो जाएगा क्या, इसका फोर्थ का हो जाएगा पॉपुलर, फोर्थ का पॉपुलर हो जाएगा। फिफ्थ का आई एम बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेट हो जाएगा। सिक्स नंबर है, यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड्स इज अ बिग ईटर, तो बहुत ज़्यादा खाने वाले को क्या बोलते हैं, बोलते हैं गवर्नमेंट, जी ओ यू आर एम ए एन डी, एम ए एन डी, ठीक है, फिर से लिखूं, जी ओ यू आर एम ए एन डी, बहुत ज़्यादा खाने वाले को गवर्नमेंट कहते हैं। ओके नाउ फिफ्थ वन, सॉरी सेवेंथ, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर, गॉड फादर डियर, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का, जेनरस, जेनरस, आर ओ यू एस, ठीक है, जेनरस। ओके नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सो ही सेज, ही सेज, He will enjoy the ride. तो आपको क्या छाटना है, वर्ब छाटना है, ही से, ही विल इंजॉय द राइड, कि भाई वो राइड को इंजॉय करती है, तो यहाँ पे वर्ब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके नाउ है फादर मेंशनड दैट ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, तो फादर मेंशन, ये आपका वर्ब हो जाएगा। थर्ड वन है नो वन टोल्ड अस दैट दिस शॉप वॉज क्लोज्ड, तो टोल्ड, टोल्ड है, टोल्ड किसी ने नहीं कहा, वर्ब है। ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर्ड। नेक्स्ट है आई वॉन्डर्ड वाई ही वॉज स्क्रीमिंग, कि मैं आश्चर्य हूँ कि वो क्यों चीखी, सो हियर इज वॉन्डर्ड, आपको यहाँ पे वर्ब छाटना था। नाउ व्हेन टोल्ड हर टू वेक अप, वेक हिम अप, तो इसमें व्हेन टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपोलाइज्ड, क्या हो जाएगा, इसमें अपोलाइज्ड हो जाएगा सिक्स वन में, अपोलाइज्ड। ओके नाउ सम वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग आर गिवन इन द बॉक्स, सो चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ब छाट कर भरना है। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द वीमेन, तो क्या हो जाएगा, रिप्लाइड, वो वुमन बोलती है कि मैं नहीं डरी हूँ, लीव मी अलोन माई मदर शाउटेड, मेरी माँ क्या चिल्ला रही है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, शाउटेड। द चिल्ड्रेन दैट रोड, द चिल्ड्रेन वर कंप्लेनिंग, द चिल्ड्रेन वर कंप्लेनिंग द रोड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड का कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, परहैप्स ही इजंट बैड शॉट ऑफ अ सैप आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, रिमार्क द मास्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रिमार्क हो जाएगा, रिमार्क। ओके नाउ फिफ्थ नंबर, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, सजेस्ट किया है, तो ये क्या है, एक तरह का सजेस्टेड, क्या है ये, सजेस्टेड है, नाउ इट इज सजेस्टेड। ओके सजेस्टेड। लास्ट है द ट्रैफिक पुलिस
डैश ऑल द पासर बाई टू कीप ऑफ द रोड। तो पुलिस क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑर्डर दे रहा है सबको, सबको ऑर्डर दे रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर। आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी स्टडी को एक बढ़िया आयाम दे सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन आंसर के हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। बट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज समझना एक बड़ी चीज़ है और समझ कर किया गया काम हमेशा सही होता है। रोट प्रोसेस इज नॉट गुड इनफ प्रोसेस। ओके, सो आई थिंक वी हैव कम्प्लीटेड ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will meet again with another video. Thanks for watching.